दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पैकेज 7 का अपडेट देखने वाले हैं। ये पैकेज सूरत इंटरचेंज से कनेक्ट करता है खरैल इंटरचेंज को। तकरीबन 28 किलोमीटर लंबा ये पैकेज है। आज हम देखने वाले हैं सूरत इंटरचेंज से लेके नवसारी तक का पूरा अपडेट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लगातार नए नए वीडियोस देखते रहें। NH 53 जिसको क्रॉस करता हुआ ये जा रहा है मुंबई की साइड में, इसका अपडेट हमने पिछली वीडियो में देखा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सीधा ये मुंबई की साइड और उस तरफ जा रहा है, सीधा ये दिल्ली की साइड में। इस तरफ भी NH 53 जा रहा है सूरत सिटी के अंदर और इस तरफ जा रहा है डौली की साइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉसिंग है, यहाँ पर ब्रिज यानी बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो 53 को क्रॉस करेगा। यहाँ पर अच्छा खासा प्रोग्रेस देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनर ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं, ओवरपास वगैरह यहाँ पर अच्छा खासा काम किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थवर्क का काम काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थवर्क का काम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और जगह जगह पर टनल वगैरह बनाए जा रहे हैं। अंडरपास भी बन रहा है जो कि किसानों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर PKC की अब पहले लिए डाली जा चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड का काम स्टार्ट कर दिया गया है अप और डाउन के लिए, यानी 4 लाइन एक साइड में, 4 लाइन दूसरी तरफ। यहाँ पर जो ज़मीन को अच्छा खासा यहाँ पर कवर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दीवार रेखा है वो लेके इस जगह तक वॉल बना दी गई है। पूरी एनी के अंडर में रहेगा क्योंकि भविष्य में इसको 12 लाइन तक का बनाया जाना है। पैकेज का जो कंपनी काम कर रही है वो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है हम पैकेज 5 से ज़्यादा पैकेज 7 में अच्छा खासा काम देखने को मिल रहा है। ये पैकेज 5 से पहले बन के रेडी होने के चांसेस हो गए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मोला रिवर तकरीबन इस लोकेशन पे 7 महीने बाद आए हैं। उस वक्त यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और अभी यहाँ पर देख सकते हैं पिलर का काम कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। गर्डर लॉन्चिंग करना बाकी है, यहाँ पर जल्दी ये ब्रिज बन के रेडी हो जाएगा। जब रेडी होगा तब हम इसका अपडेट देते रहेंगे। अर्थवर्क तो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी लॉन्चिंग का काम बाकी है। ये गांव छोटा सा, इसको भी यहाँ पर जब हम आए थे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। हालांकि भूमि अधिकरण का काम कंप्लीट कर लिया गया था, उस वक्त काम की शुरुआत नहीं हुई थी और अभी हमें अच्छा खासा काम देखने को मिल रहा है। अंडरपास वगैरह बना दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बन रखे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर अंडरपास बनाया गया है ताकि कभी भी जो किसान लोग हैं वो अपने फसल के लिए दूसरी साइड में जाते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर हर 2 किलोमीटर के एरिया में फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं, जो छोटे मोटे रोड हैं उनको कनेक्टिविटी मिले, क्रॉसिंग करने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं
इस एक्सप्रेसवे का अर्थवर्क का काम इस जगह पर आपको पूरा दिख रहा है। जहाँ पर काम की कमी आपको दिखती है वो सिर्फ बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं और बड़े अंडरपास बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा काम कम्प्लीट दिख रहा है, खाली छोटा सा एक क्रॉसिंग का रोड है जिसका काम यहाँ पर अधूरा है, जल्दी इसको भी कम्प्लीट कर लिया जाएगा। जहाँ पर अर्थवर्क की मिट्टी की कमी है, मिट्टी डालकर उसका लेवल कम्प्लीट किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी नदी है, उसको क्रॉसिंग करके यहाँ पर माइनर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा काम देखने को मिल रहा है। इसके आगे देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम था वो कम्प्लीट हो गया है और थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। थोड़ा सा अर्थवर्क पर मिट्टी डालने का काम अभी किया जा रहा है, जो कि PQC लेयर डाल के कम्प्लीट कर दिया गया है, क्योंकि हर एक किलोमीटर का हिस्सा, 2 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर अभी कंप्लीट होना PQC का काम बाकी है। जैसे कि यहाँ से अभी आप देख सकते हैं मिट्टी का डालने का काम जो है वो चल रहा है, PQC की लेयर भी डाल दी गई है जो कि सीमेंट वाला बनने वाला है। ये हिस्सा तो बनके रेडी हो चुका है, जैसे ही ये हिस्सा बनके कंप्लीट होगा ब्रिज का, उसके आगे का भी काम पक्का कर दिया जाएगा। इसमें अभी लेयर का काम कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा, जैसे कि इस वक्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दोस्तों ये 1350 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे, जो कि सितियानगोंड से लेके आपका न्यू दिल्ली तक जा रहा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नवसारी और डोली के मेन रोड पे। उस जगह पर यहाँ पे आप देखें तो नवसारी की दूसरी तरफ 6 किलोमीटर है, वायर डोली की दूसरी तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है, जो कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है अच्छे खासे हाइट का। तो अभी इस तरफ से आ रहे थे सूरत की साइड से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा है इस एक्सप्रेस वे पे। यहाँ पर गर्डर वनक रेडी हो चुके हैं और पेयर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर पिलर्स बनाना अभी बाकी है, गर्डर वगैरह यहाँ पर हो चुका है, गर्डर लंचिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया गया है, अच्छा खासा प्रोग्रेस भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हमने तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर लंबा अपडेट देखा है, जो कि सूरत से लेकर नवसारी तक का अपडेट है। अगली वीडियो में हम देखेंगे नवसारी से लेकर खरेल इंटरचेंज का।